So let me solve the first question. So the question is, like we have a variable of type float and hum yahan kuch mathematical operation kar rahe, a equal to 9.5. So a equal to 9 divided by 5. And after that humne a ko print kiya. So a is a type of float. So print karne ke liye humne specifier use kiya hua percentage f. So the question is, what is the answer of this one? Is it 1.8? What is the output of this what is the output of this printf? Is it 1.8, 2.0, 1.0 and none of this? So pehle samajhte ki C language 9 divided by 5 ko kaise treat karta hai, then is program ko run karke answer find out karte hai. Okay, so like let us just open the notepad plus. Okay, let us just open the notepad, a basic editor. Okay, firstly let me increase the size. It's fine. Okay, so guys, यहाँ पे हम लोग को एक division operator use हुआ है, ये question के अंदर एक divide operator use हुआ है, that is nothing but an arithmetic operator. So before that मैं यहाँ पे अपने question पे jump करूँ, उससे पहले मैं आपको सिर्फ basic कुछ mathematical funda clear करना चाहता हूँ. जैसे कि 2 + 3 अगर किसी ने मुझे दिया, then what is the answer? The answer is 5, as you know. अगर किसी ने मुझे बोला ओ सर 2 + 3.1, सो आई विल से आंसर इज 5.1. मुझे सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नेचर चाहिए. ओके, देन आफ्टर हम डिवाइड ऑपरेटर को समझेंगे. तो सिंपल, मैं पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर है उसको समझने की ट्राई करता हूँ. ओके, सो लाइक यू नो सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर, इट्स लाइक एडिशन प्लस. सो जैसे प्लस को मैंने क्या डेटा दिया, मैंने उसको 2 वैल्यूज दिया, 2 और 3, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम ओ प्लीज सम अप दैट. तो उन्होंने 2 + 3 को आंसर मुझे कन्वर्ट करके दिया 5. सो इसका कंक्लूजन अगर देखे तो 2 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, 3 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, सो आंसर इज अ टाइप ऑफ इंटीजर. तो क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, कि जब मैं प्लस को दोनों इनपुट एज ए इंटीजर दूंगा तो मुझे आंसर भी इंटीजर टाइप का ही मिलेगा. तो मैंने दोनों इनपुट इंटीजर दिया तो आउटपुट उसने मुझे इंटीजर दिया. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइन, उसमें मेरा पहला इनपुट इंटीजर था, सेकेंड इनपुट इन द सेंस आई मीन टू से इट इज ऑपरेंड. ओके, सो पहला इंटीजर, सेकंड फ्लोट ऑपरेंड था, आंसर फ्लोट मिला. थर्ड के अंदर फ्लोट प्लस इंटीजर, आंसर फ्लोट मिला. फोर्थ के अंदर फ्लोट प्लस फ्लोट, आंसर फ्लोट मिला. मैं ये कहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने कहाँ से इनहेरिट किया, फ्रॉम द अबो एग्जांपल्स. ओके, जैसे कि लास्ट लाइन 2.1 दैट इज फ्लोट, 3.1 दैट इज फ्लोट, सो आंसर इज फ्लोट. ओके, थर्ड दैट इज फ्लोट प्लस इंटीजर, आंसर इज फ्लोट. तो ये कुछ हम लोगों ने रूल्स डिराइव किए. ये रूल्स सब सी लैंग्वेज के, सी प्लस प्लस के है. ये सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इस हिसाब से कुछ काम कर रहा है. अब मुझे क्या देखना था, मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिवाइड, इट इज ऑल्सो द अरिथमेटिक ऑपरेटर, सो रूल्स सेम अप्लाई होंगे. तो मैं सिर्फ ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ. ओके, रूल्स सेम अप्लाई होंगे. इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर द टाइप ऑफ इंटीजर, देन आंसर इज द टाइप ऑफ इंटीजर. ओके, इफ आइदर ऑफ द ऑपरेंड, जैसे कि डिवाइड से लाइक न्यूमरेटर वाला ऑपरेटर ऑपरेंड और डिनोमिनेटर वाला ऑपरेंड, एक इंटीजर था एक फ्लोट था, सो आंसर इज फ्लोट. न्यूमरेटर फ्लोट है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, देन आंसर इज फ्लोट. बोथ द ऑपरेंड्स आर फ्लोट, देन स्टिल द आंसर इज फ्लोट. तो ऐसे कुछ सी लैंग्वेज के डिविजन के लिए कुछ रूल्स है. सो लेट मी ट्राई कि अगर कुछ एग्जाम्पल ले कि अगर 1/2 लिखा है तो आंसर क्या आएगा. सो एज पर दिस रूल, अगर मान लीजिए सी लैंग्वेज ये रूल फॉलो कर रहा है, एक्चुअली सी लैंग्वेज यही रूल्स फॉलो करता है, तो 1/2 का आंसर क्या आएगा. सो वी हैव टू चेक, ओ 1 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर ऑफ फ्लोट, इट्स अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा. 2 इज अ टाइप ऑफ इंटीजर डेटा, सो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0.5, बट आंसर मिलेगा 0. क्यों? बिकॉज दोनों इनपुट, दोनों ऑपरेंट इंटीजर थे, आंसर आपको इंटीजर मिलेगा. ओके, तो अगर मुझे पॉइंट में चाहिए तो, सो गाइज यू हैव टू आइदर ऑफ द रूल्स यू हैव टू फॉलो, लाइक इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट, डेटा चेंज नहीं करना है बट मुझे डिनोमिनेटर में फ्लोट चाहिए, तो 2 की जगह में 2.0 रखूंगा. सो ये भाई साहब तो इंटीजर ही है, यहाँ पे मैंने 2 का 2.0 किया तो दैट इज अ फ्लोट. सो इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट, अब आपको आंसर फ्लोट मिलेगा. नाउ सेम रूल्स हम लोग थर्ड वाला रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कि न्यूमिरेटर का डेटा इंटीजर की जगह फ्लोट लिखेंगे, इन शॉर्ट 1 की जगह 1.0, सो दैट इज कंसिडर एज ए फ्लोट. डिनोमिनेटर में मैंने 2 रखा, सो दैट इज इंटीजर, बट दिस रूल विल बी अप्लाइड, फ्लोट डिवाइड बाई इंटीजर, आंसर इज फ्लोट. इवन दो अगर आपने ऐसा लिखा होता 1.0 डिवाइड बाई 0, देन स्टिल आंसर इज 0.5. सो दिज आर सम बेसिक कंसेप्ट. ओके, सो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम हमारे प्रोग्राम को चेक करें, सो हमारा प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, फ्लोट ए,
ए इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5। अब देखो ए हमने डिक्लेयर किया फ्लोट है, मतलब उसकी कैपेसिटी स्टोर, लाइक उसकी कैपेसिटी फ्लोट डेटा स्टोर करने की, बट उसमें आप स्टोर कर क्या रहे हो? सो इक्वल टू, दैट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर जो राइट टू लेफ्ट काम करेगा। तो पहले राइट हैंड साइड का इवोल्यूशन हो जाएगा जो भी आपने इक्वेशन लिखा हुआ है। अब हमारा इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बैठ रहा है, लाइक ए इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5। तो पहले 9 डिवाइड बाई 5 को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 9 डिवाइड बाई 5? बट अब यस, आंसर आना चाहिए 1.8, आंसर आना चाहिए 1.8 एज फॉर द मैथमेटिक्स, बट दिस इज नॉट अ मैथ, दिस इज सी लैंग्वेज। ओके, सो सी लैंग्वेज अपने रूल्स फॉलो करेगा, वो चेक करेगा फर्स्ट ऑपरेंड कौन से टाइप का, इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। ओके, सेकेंड ऑपरेंड का टाइप क्या है, ओ दिस इज ऑल्सो इंटीजर। सो आपका आंसर आना चाहिए था 1.8, बट सी लैंग्वेज उसमें से सिर्फ इंटीजर वाला पोर्शन आपको रिटर्न करेगा, सो आपको 1.8 की जगह मिलेगा सिर्फ 1। नाउ ये 1 आप किस में स्टोर कर रहे हो सर? ए के अंदर। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? सो एज पर आवर क्वेश्चन टाइप ऑफ ए इज फ्लोट, सो आपको आंसर मिलेगा 1.0। देखो मेरा 9 डिवाइड बाई 5 का आंसर 1 आया था, बट उसको हम स्टोर कर रहे हैं ए में, द टाइप ऑफ ए इज फ्लोट, सो आपको आउटपुट आएगा 1.0। So the right answer of this question is actually option B, 1.0. But still practically करके देखते हैं। So guys, मैं Turbo C compiler use कर रहा हूँ। Okay, so here I have. So एक program जो हमने अभी देखा वो type कर देते हैं। So here I have float A. A equal to 9 divided by 5. Okay, and A को print करना है। So percentage F comma A. एंड सरप्राइजली मैं कोई भी हैज इंक्लूड लाइब्रेरीज, मतलब कोई भी लाइब्रेरीज को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। ओके, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, वर्ड मीन से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज अलाउड इन सी लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो द थिंग। नाउ लेट मी रन दिस गाइज। सो हियर द आंसर इज 1.610, और यू कैन से दैट 1.0। सो दैट्स दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन गाइज, दैट्स फॉर योर लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप यूट्यूब में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।